हाँ जी मित्रों, मैं हूं कपलू। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात करते हैं एजाज खान वर्सेस राजवीर फिटनेस की कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह आए थे अभी पास में, मैंने आप लोग को पिछले वाली वीडियो में बता दिया था। एंड मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये जो फाइट है भाई, वो मुंबई से शिफ्ट होकर दिल्ली की साइड आ गई है। मतलब कि एजाज खान के जो दोस्त है यार प्रदीप ढाका जाट, वो राजवीर फिटनेस और ऑल्सो उनके दोस्तों को ये चैलेंज कर दिया था कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ एंड अगर तुम्हारे पीछे दम है तो भाई आके मुझसे दिल्ली में मिलो। लेकिन भाई अभी इसके रिलेटेड अपडेट ये आया है कि जो यार एजाज खान के दोस्त हैं प्रदीप ढाका जाट, वो यार दिल्ली के अंदर यार एंटर हो गए हैं, वो दिल्ली के अंदर आ गए हैं। एंड दिल्ली के अंदर आते ही यार उन्होंने कुछ रील्स वगैरह भी पोस्ट करी थी, जिस रील को पोस्ट करके भाई एजाज खान ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, जहां पर वो कह रहे थे जाओ मिल लो मेरे दोनों छोटे भाइयों से, अब दिल्ली में भी डर लग रहा है क्या। मतलब कि एजाज खान ने भी खुला है राजवीर फिटनेस और ऑल्सो उनके दोस्तों को ये कह दिया था कि भाई मेरा भाई आ चुका है दिल्ली के अंदर, अगर तुम्हारे पीछे दम है तो जाके मिल लो। ऑल्सो भाई प्रदीप ढाका जाट ने यार राजवीर फिटनेस और ऑल्सो उनके दोस्तों को क्या कोई चैलेंज दिया था दिल्ली में आके, देखिए आप लोग। हाँ इंस्टाग्राम के गुंडो के कहो तो मेरे तो फिट हो गए भाई, 10 तारीख की जगह मैं तो 9 तारीख ले आ गया, जो रहा भादरगढ़ का बाईपास, जिस जिसने मेरे तो फेटना भाई आज ही इंतजार करूंगा थारा, ठीक है भाई आ जाओ तक आज जिस जिसने मिलना है। और भाई मेरे धोरा बाईपास पाते मैसेज कर दियो, थारे धोरा लोकेशन भेज दूंगा, देखते कौन कौन फेटना हुआ। अब बेसिकली इसके बाद में हुआ क्या कि प्रदीप ढाका जाट ने जब ये वाली वीडियो डाली तो उसके काफी घंटों के बाद में भी यार राजवीर फिटनेस या फिर उनके दोस्त लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आए, तो प्रदीप ढाका जाट ने अपने इंस्टाग्राम पे एक और भी रील को अपलोड कर दिया कुछ कहते हुए। क्या कुछ कहते हैं वो भाई देखिए आप लोग। हाँ पंटर क्यों यार, मैं मुंबई में चिल कर रहा था, स्पेशल तेरे लिए आया था, तूने मेरे को मैसेज करा था 10 तारीख को मिलूंगा, मैंने नहीं बोला था 10 तारीख को मिलेगा, तेरे चक्कर में ऑन द स्पॉट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली में आया तेरे से मिलने के लिए। अब मैंने तेरे को भादरगढ़ का टाइम दे दिया, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसीलिए मैंने तेरे को भादरगढ़ का टाइम दिया और तेरे से वहां आया नहीं जा रहा, तेरे दस्त लग गए अब तो तू बातें बना रहा है, इंस्टाग्राम का गुंडा है तू, जब तेरी काटने की औकात नहीं हो ना तो भोग भी मत, ठीक है सोच समझ के बोला कर जो बोलना हो। अब प्रदीप ढाका जाट ने ये जब दोनों ही वीडियो यार अपलोड कर दिए, तब तक भाई यार राजवीर फिटनेस और ऑल्सो उनके दोस्त लोग यार उनसे मिलने के लिए नहीं गए थे। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद में राजवीर फिटनेस के जो दोस्त हैं प्रिंस, उन्होंने भाई अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट वगैरह किया। उन्होंने दो पोस्ट किया था, सबसे पहले उन्होंने एक रील अपलोड करी, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि उन्होंने प्रदीप ढाका जाट को क्या रिप्लाई किया। भाई सारे ने भाई थारे इंस्टाग्राम के बदमाश की दिल्ली छुड़वा दी है, उसने लोकेशन दे दिया भादरगढ़ की, बम्बई जाके नू कह रहा था नू क्या भाई मैं देख लूंगा दिल्ली के बदमाशों को, वो दिल्ली में भाई तू दिल्ली नांगलोई का है, आपा नांगलोई आने तैयार है, ठीक तू टाइम बता और किस टाइम और कहाँ मिलना, हम नांगलोई आओगे पीरा गड़ी आओगे, तू रोहिणी छोड़ दे, रोहिणी की नहीं हम तो अभी तैयार है, हम नांगलोई की नहीं भी तैयार है, तू बता कद मिलेगा भादर रोड के भाई तेरा वहाँ कौन रिश्तेदार बैठा है, दिल्ली क्यों छोड़ रहा है, दिल्ली के दिल्ली में ना दिल्ली के हमने जानते भाई हरियाणा यूपी हम कुछ नहीं जानते, हम दिल्ली के दिल्ली में जाना है, दिल्ली में बता कहाँ मिलेगा लोकेशन दे बता कहाँ मिलेगा, तू कल थे दिल्ली क्या था दिल्ली 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 के कर था दिल्ली में ही तू तू हरियाणा पहुंच गया, अब तोरा भीगी बिल्ली तन्ने नु कहेंगे तू भी बैणी आ, तू बैणी आ जागा यूपी आ जा, बैणी आ जा, दिल्ली हरियाणा छोड़ दे और बता छोड़ दे पूरी यूपी की छुट्टी दे दी बोल, पूरी यूपी की छुट्टी है तुझे। बेसिकली यार प्रिंस का ये कहना था कि जो प्रदीप ढाका जाट है वो दिल्ली के अंदर भाई एंटर नहीं हुआ है, वो कहीं और आया हुआ है, मतलब कि दिल्ली से थोड़ा दूर आया हुआ है। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि भाई आना है तो दिल्ली के अंदर आके मिलना। इसके बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी अपलोड करी, जहां पर भाई उन्होंने दोबारा से प्रदीप ढाका जाट को ओपन चैलेंज कर दिया। क्या कुछ कहते हैं वो देखिए आप लोग। भाई कल प्रदीप ढाका जर्मन सेफर्ड सुन कल 1 बजे तक लेके आए और 6 बजे के बीच तक तेरा इंतजार रहेगा, तेरे गांव के बाहर नांगलोई के बाहर पीरा गड़ी है, मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर, तेरे घर के 1 किलोमीटर बाहर पीरा गड़ी है, 1 बजे से 6 बजे के बीच में किसी टाइम फोन करती हो मैसेज करती हो जब आप पहुँच जाओ, अगले 20 मिनट हम पहुँच जाओगे और तेरा रिजल्ट तुझे हम दिखा देंगे क्या क्या ना भादरगढ़ हमारी गांड में तुम तब हो छिड़ेंगे तेरा दिल्ली छुड़वा के तुझे हमने भादरगढ़ भेज दिया, मान गया ना लड़ ले अब भोके जा कुत्ते भोके जा कह जा जो कह जा, कुछ कहना चाहोगा भाई तो। हाँ भाई आज यार 10 अगस्त भी है, देखते हैं यार क्या कुछ लफड़ा वगैरह होता है इनके बीच में या फिर यार ये लोग मिलते हैं या फिर नहीं, जो भी लफड़ा वगैरह होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इस पूरे ही सीन के ऊपर जो राजवीर फिटनेस है उन्होंने भाई दोबारा से मजाक उड़ाया यार एजाज खान के दोस्त प्रदीप ढाका जाट का। बेसिकली हुआ क्या कि प्रदीप ढाका जाट का ही एक वीडियो यार वायरल हो रहा था जिसको यार शेयर किया था राजवीर फिटनेस ने, जहां और भाई एक जो बंदा है वो प्रदीप ढाका जाट के सामने ही भाई उसकी बेइज्जती मार दिया, देखिए आप लोग। अपने
जितना भी गोल्ड है सारा नकली है। इसी वाले वीडियो को शेयर करके राजवीर फिटनेस ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करी जहां पर वो कहते हैं ऐसे मुंह पर बेइज्जती थोड़ी करते हैं भाई। आप लोग क्या कुछ सोचते हो इस पूरे मैटर के बारे में, मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं अल्विस यादव वर्सेस रेंटिंग गोला की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। भाई आप लोगों को यार ये कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में सब कुछ अपडेट्स वगैरह मैंने दे दिया है पिछली वाली वीडियो में, अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन अब यार रेंटिंग गोला के साइड से हमें दोबारा रिप्लाई देखने को मिल गया है भाई अल्विस यादव के ऊपर। Elvis, you could come in the male category too, but you will have to grow a pair of balls for that. And assuming you didn't even answer a single question I put out to you, I don't think you have them. Oh, sorry. इसको समझ कहाँ आ रहा होगा? Elvis, मेरे सवालों का जवाब कहाँ है? आज तो फुल अयासी करिए कटारे रसियन के चिपट रहा हूँ। अजी हाँ, मैं मेरी गल चलते मेरी गल चलते। रबे शरम बे अया बदतमीज बे गैरत बच्चलन बे शरम आदमी नंगे आदमी जिसने न्यूनी बे रखी अपनी माँ के ला क्यों करवात करनी है वो दूसरों पे बात मारेगा। तू है के तेरा सौदा क्या है, इतनी औकात होगी तेरी? और एक ही एल्विस आर्मी, इन लोगों का लंच ब्रेक नहीं होता, इनकी रिसेस होती है। देसी जगी ते ट्रैप जिबीट है सिर कट गज दे स्पीकर आज वाज दे क्लाउन मुंडे। एल्विस तेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई है ही ना, कोई ना एल्विस जैसा इस पूरी दुनिया में एल्विस जैसा बेशरम कोई है ही ना। बताओ ध्रुव भाई के कॉल आउट करे पाछे भी इतनी अकलना पड़ी है? अरे अपनी इज्जत तो तूने बेच के मूंगफली खा ली, कम से कम अपने माँ बाप की तो सोच लेता। राव साहब के गाने बनाते नहीं माँ बाप की इज्जत हो वे अजीब छोर में बात करने का सूर ना हो। छोरी ने छोरा कह के घनी कॉमेडी कर दी भाई ने। Elvis used his last two brain cells in order to come up with that reply. और वो इसके सांपों का जहर बंद करवाओ इसके नशे और भी अंकर। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात करते हैं जेलर दीपक शर्मा के बारे में। आप लोग इन्हें यार डेफिनेटली जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पे यार ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अभी इनके रिलेटेड एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज आ गई है कि जेलर दीपक शर्मा को भाई सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ भाई, ये सस्पेंड क्यों हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि इनको सस्पेंड इसलिए किया गया है बिकॉज ये एक शादी के अंदर भाई अपनी यार पिस्टल लेके गए एंड वहां पर उससे यार वो डांस वगैरह कर रहे थे पिस्टल को हाथ में लेके। एंड ये करना भाई जाहिर सी बात है यार इलीगल है बिकॉज यार आपको यार लीगल पिस्टल मिली है वो भी यार पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से। वो नाचने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यार, अपना काम करने के लिए होता है। इसलिए यार जेलर दीपक शर्मा को भाई सस्पेंड कर दिया गया है। ऑल्सो वीडियो में कर क्या रहे थे वो भी देख लीजिए आप लोग। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। तो भाई अंकित बयापुरिया को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। हाँ भाई सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को भाई पता होगा कि अंकित बयापुरिया जो है वो जाने ही इसलिए जाते थे बिकॉज भाई उनके जीरो हेटर्स हैं। लेकिन भाई 2024 इतना अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। इनको हेट इसलिए मिल रही है बिकॉज आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में एक न्यूज दिया था ओलंपिक्स के रिलेटेड, जिसमें अंकित बयापुरिया अपना ओपिनियन देके ये बोले थे कि जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया में ओलंपियंस नहीं है, इंडिया में ओलंपिक्स कोई खेलता नहीं है, जीतता नहीं है, तो इस पे अंकित बयापुरिया ने ये कह दिया था कि भाई तुम जीत जाओ ना, तुम तो सोते रहते हो एंड जो लोग ओलंपिक्स जीतते हैं वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इस तरीके से यार थोड़ा सा डांट वगैरह दिया था अंकित बयापुरिया ने इंडियंस लोगों को। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो अंकित बयापुरिया पे भाई भड़क गए, उनको गालियां देने लगे, उनको ये कहने लगे कि भाई तू क्या ज्ञान पेल रहा है, तू ही जाके जीत के दिखा देना इस तरीके से। एंड ऑल्सो उनको यार बहुत ज्यादा हेट वगैरह मिलने लगा था। चीज पे अंकित बयापुरिया के साइड से हमें एक रिप्लाई देखने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं बहुत सारे मेरे भाई मेडल की पूछ रहे हैं तो मेरे पास कोई मेडल नहीं है, मैंने कोशिश करी है अपनी लाइफ में, अब भी कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, बस 2-3 इंजरी हुई मुझे, 15 डेज नी कार्टिलेज डैमेज रोटेटर कफ टियर, पर मैं आज भी कर रहा हूँ, घर पर खाली बैठ के तो ट्रोल नहीं कर रहा किसी प्लेयर को जिन्हें अपनी सारी लाइफ देश के लिए लगा दी। बेसिकली यार अंकित बयापुरिया ने यही कहा कि भाई मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, मैं बेड पे बैठ के सो के ज्ञान नहीं पीता। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है भाई अंकित बयापुरिया के इस पूरे ही लफड़े के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो इतना ही नहीं, जो यार अंकित बयापुरिया को यार हेट वगैरह मिला इसके ऊपर मैक्सटर ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा एवरीवन मिसअंडरस्टूड अंकित बयापुरिया हियर, ही वाज टॉकिंग अबाउट सम people who criticize athletes for not winning medals, he doesn't deserves hate for this video. Basically Maxton ने वही चीज को explain किया कि भाई अंकित बयापुरिया deserve नहीं करता है। वो उन लोग को भाई डांट रहा था, वो उन लोग को भाई reply कर रहा था जो लोग यार troll करते हैं Olympians को, वो उन लोग के ऊपर बात कर रहा था जो लोग सिर्फ बेड में बैठ के ज्ञान पेलते रहते हैं और also खुद कुछ नहीं उखाड़ते हैं, लोगों को troll करते रहते हैं इस तरीके से। आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई अंकित बयापुरिया के इस पूरे ही मैटर के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड इमोशनल न्यूज के बारे में जो कि निकल कर
आ रही है भाई YouTube के पुरानी CEO सुजैन के रिलेटेड। अब जो लोग भाई पहले से यार YouTube वगैरह देखते हुए आ रहे हो, आप लोगों को पता होगा अभी के टाइम पे तो यार नील मोहन YouTube के CEO हैं, लेकिन पहले के टाइम पे लाइक आज से 2 साल पहले ही सुजैन हुआ करती थी YouTube के CEO। उनकी यार अभी के टाइम पे एज जो थी वो 56 थी। लेकिन भाई अभी शॉकिंग एंड इमोशनल न्यूज ये निकल कर आ रही है कि जो यार CEO थी YouTube की सुजैन, उनकी भाई डेथ हो चुकी है कैंसर से 56 की एज में। अब मैं तो यार ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए यार मेरे पास इतनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हर गेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल ही मत भूलना, 1 सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।